हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है कि संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है, कि संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आपको बहुत लगन से मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आप ही इतिहास को मोड़ने वाले हो। अगर आप अच्छी तरीका से आईएएस पीसीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, तो देश आप लोग ही चलाओगे। जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो देश को नहीं चलाएंगे। देश को चलाने वाले, देश को आगे ले जाने वाले, देश की तरक्की करने के लिए आप लोग ही हो। आप लोग ही इस देश को आगे बढ़ाओगे। साइंटिस्ट बनोगे तो आप लोगों में से ही बनेंगे, आईएएस पीसीएस बनोगे तो आप लोगों में से ही बनेंगे, टीचर बनोगे तो आप लोगों में से ही बनेंगे। तो आपको अपनी जिम्मेदारी से और लगन से, मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कूलम का नियम किसे कहते हैं? कूलम का नियम, या इसे बोल देते हैं स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट डालो, कूलम का नियम। या स्थिर वैद्युत बल, कूलम का नियम या स्थिर वैद्युत बल। तो आपको पीछे हमने कुछ पॉइंट बताए थे। पॉइंट ये थे कि समान आवेश होते हैं, समान प्रकार के आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहां पर धन आवेश हो और यहां भी धन आवेश हो तो दोनों को, दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि विपरीत प्रकार के आवेश हो, एक धनावेश हो और दूसरा ऋणावेश हो, ये प्लस का Q1 है, ये आपका माइनस का Q1 है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हम लेंगे R, क्योंकि आवेश कैसे हैं आपके? स्थिर हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट का नाम ही है स्थिर वैद्युत की। इसमें रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे, इसमें जिसका भी अध्ययन करेंगे, जिस जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे हम, उसमें आवेश कैसा होगा आपका? रुका हुआ होगा, गतिमान आवेश नहीं होगा। इसके बीच की दूरी चाहो तो आप इसलिए दूरी आर मान लो, या तो ये वाला चित्र बना लेंगे या फिर ये वाला चित्र बना लेंगे। तो इसमें समान प्रकार के आवेश हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं आपको? प्रतिकर्षित कर रहे हैं आपके। और ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आपको 11th में बताया गया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो न्यूटन साहब ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? ये दो बिंदु थे जिनके द्रव्यमान m1 और m2 थे, इनके बीच की दूरी क्या थी? r थी। तो वहां पर जो बल था वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। दोनों नियमों को मिलाया था तो ये आए थे एयर प्रोपोर्शनल। ऊपर क्या था? m1, m2, नीचे क्या आएगा? 1/r² या एयर प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r², यानी जो बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल में, प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं, तो ये जो नियतांक आता है वो आता है कैपिटल जी m1 m2 बटे r². ठीक इसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे, हम निकालेंगे सूत्र कूलम के नियम का। तो जैसे इसमें जो बल था वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था, तो गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान लेते हैं लेकिन कूलम के नियम में आवेश लेते हैं। कूलम के नियम में क्या लेते हैं? आवेश लेते हैं। तो जो आवेश होता है, जो आवेश, जो बल होता है स्थिर वैद्युत बल होता है, या ये कूलम का नियम बोल दो, बात एक ही होती है, स्थिर वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिलाते हैं तो ये यहाँ आएगा एयर प्रोपोर्शनल। ऊपर क्या आया आपका? Q1, Q2, नीचे क्या आएगा? r². यहाँ क्या आया था? एयर प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r² आया था, लेकिन यहाँ आएगा एयर प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r². अब यहाँ प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ आता है नियतांक के Q1 Q2 बटे r² Q1 Q2 बटे r². तो यदि ये दोनों आवेश निर्वात अथवा बाह्य में रखे हो, निर्वात का अंदर जहां बाह्य ना हो, बाह्य को जानते ही हो,
तो यदि ये दोनों आवेश निर्वात अथवा बाह्य में स्थित हो तो यह के का मान कूलम ने बताया था 1/4πε0 होता है। 1/4πε0 εr को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है εr का मान होता है 8.85 × 10⁻¹² होता है, मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस पूरे का जो मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹, मात्र होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, इसका उल्टा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। तो ये जो के का मान, ये 1/4πε0 εr को क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, या इंग्लिश में बोल देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये के का मान उठा के यहां पर रखेंगे तो ये बल आएगा आपका 1/4πε0 q1 q2 बट्टे आर स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये जो बल है वो बाय में है, किसमें है, बाय में, क्योंकि हमने ये बताया था यदि दो आवेश निर्वात अथवा बाय में रखे हो तब ये के का मान इतना होता है 1/4πε0। ये वाला मान उठा के हमने यहां रख दिया है तो ये बल का सूत्र आया है F बराबर 1/4πε0 q1 q2 r² बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है। अब हम यदि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ रख दें, जैसे कांच है, कागज है, रबर है, कांच है, कागज है, रबर है, और यदि इनके बीच में हम रख दें तो बल का मान पहले से घट जाएगा। जैसे कि दोनों आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ होता है जैसे कागज है, रबर है, कांच है, तो इसमें अगर इसके बीच में रख दें तो यहाँ बल आएगा आपका माध्यम में एफ मीडियम बराबर 1/4πε0 यहाँ के आएगा q1 q2 r² तो यहाँ के है वो एक नियतांक है जिसे परावर्तन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जहां के क्या है, नियतांक है जिसे परावर्तन कहते हैं, इसका मान, के का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे निर्वात अथवा बाय के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के का जो मान होता है वह होता है आपका 1। तो यहां 1 रखेंगे तो ये बाय में सूत्र आएगा, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के ही लिए के का मान 1 होता है, तो ये दोबारा ही फिर वो सूत्र आ जाएगा और ये सूत्र जो होगा वो किसमें होगा आपका बाय में। और सभी कुचालकों के लिए, सभी कुचालक जो भी होंगे पदार्थ उनके लिए के का मान 1 से अधिक होता है। कैसा होता है, 1 से अधिक होगा, यानी के का जो मान होगा वो 1 नहीं होगा, 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि धातुएं आती हैं, सोना चांदी तांबा लोहा जो भी धातुएं आती हैं, उनके लिए के का मान अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, ये थोड़ा ध्यान रखना है। निर्वात अथवा बाय के लिए के का मान 1 होता है और सभी कुचालकों के लिए के का मान 101 से अधिक होता है और धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। हम अब ये बताते हैं कि ये εr का ये जो मात्रक आया है वो कहां से आया है। 1/4πε0 का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, ये कहां से आया है। ये दोनों मात्रक आपके एम के एस पद्धति में, किसमें है, एम के एस पद्धति में। तो देखो ये सूत्र रखते हैं द्वारा, ये है एफ बराबर 1/4πε0 q1 q2 बट्टे आर स्क्वायर। हमें जिसका मात्रक निकालना होता है वो एक तरफ कर देते हैं और बाकी पद एक तरफ कर लेते हैं। हमें εr का मान चाहिए, पहले मात्रक चाहिए, εr का क्या चाहिए, हमें मात्रक चाहिए। तो ये εr इधर आ जाएगा और ये f इधर आ जाएगा नीचे। εr बराबर 1/4πf q1 q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो εr का जो मात्रक होगा, गणित के अंकों का कोई ना मात्रक होता है ना उनकी कोई विमा होती है। एक गणित का अंक है इसकी कोई ना मात्रक होगा ना इसका कोई विमा होगा। आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ये भी आवेश है, इसका ही मात्रक क्या होगा, कूलम बट्टे 4 गणित के अंक है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। पाई, ये भी गणित का अंक है क्योंकि 22/7 मान होता है 3.14, तो ये भी गणित का अंक है, इसका भी कोई मान नहीं होगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है,
न्यूटन, ये दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका कूलम, और कूलम कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आया है वो आया आपका कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान आया है, मात्रक आया है, वो आया न्यूटन मीटर बट्टे कूलम स्क्वायर। ये कहां से आया है हमें, अब इस पूरे का इसका हमें मात्रक चाहिए, क्यों इसके स्थान पर ही, तो ये के स्थान पर ही आया है, के स्थान पर आया है तो हम इसका मात्रक निकालेंगे। या हम यहाँ पर ये देखो यहाँ से इसका जब मात्रक निकालेंगे तो ये एक तरफ होना चाहिए, बाकी पर एक तरफ होना चाहिए। तो ध्यान से देखो ये सूत्र है एम बराबर के क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर, या वन अपॉन फोर पाई जैसा नोट लिख देंगे एक ही बात होती है। तो हमें के का मात्रक चाहिए, ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर क्यू वन क्यू टू इसके नीचे आ जाएंगे बराबर के, या के बराबर एफ आर स्क्वायर बट्टे क्यू वन क्यू टू। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या है मीटर मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ये आवेश कूलम, ये आवेश कूलम, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ के का जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, और के को ही क्या रखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। अब ये ध्यान देना है कि जो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट या के का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, ये जो मान है वो किसमें है आपका एम के एस पद्धति में। यदि हम ये कहें कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट या के का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है, तो सीजीएस पद्धति में एक होता है, और कैसे होता है वो समझ लो। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, और वो होता है आपका एम के एस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलम, कितना होता है ये थोड़ा ध्यान रखना, आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलम होता है। तो एक स्टेट कूलम बराबर होते हैं वो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये आपका सीजीएस मात्रक है, आवेश का मात्रक एम के एस में पूछेगा तो कूलम लिखोगे, और सीजीएस में पूछेगा तो क्या लिख बताओगे स्टेट कूलम, और एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। फैराड भी होता है और भी मात्रक होते हैं लेकिन वो थोड़े आगे बताएंगे, यानी देखो ध्यान से माइक्रो कूलम क्या होता है और नैनो कूलम पिको कूलम ये थोड़े आगे बताएंगे हम, यहाँ ये पहले ये कूलम का नहीं समझ लो। तो ये एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अगर हम ये कहें कि इसका जो मान है इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर एम के एस में है, इसका सीजीएस में मान कितना होता है, तो इसका सीजीएस मान देखो ध्यान से के बराबर ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, ये है वो आपका एम के एस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में अगर हम निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूटन में कितने, सीजीएस पद्धति में एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो सीजीएस पद्धति में एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ दस की घात पांच डाइम, और एक मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, और एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अब ये सभी मान यहां उठा के रख दोगे तो ये के का जो मान आएगा वो आपका सीजीएस में आएगा। देखो ध्यान से के बराबर 9 × 10⁹ एक न्यूटन बराबर क्या रखोगे 10⁵, क्योंकि सीजीएस में बनाना है सभी पूरा मात्रक। एम मीटर है यहां रखोगे 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो इसे दो बार लिख दोगे 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे कूलम को उठाओगे तो यहाँ रखोगे 3 × 10⁹ स्क्वायर है तो इसे दो बार लिख दोगे 3 × 10⁹। तो ध्यान दो तीन तरफ 9 से ये 9 काट देंगे, ऊपर घात कितनी हो जाएंगी 9 × 5 = 14 15 16 17 18 यानी 10⁻ ऊपर हो जाएंगे 18, और नीचे 9 × 9 = 18 हो जाएंगे, ये घात कट जाएंगे। के का मान कितना आएगा 1। तो सीजीएस में यदि आपको कोई के का मान या 1/4πε₀ का मान पूछता है तो आप कितना बताओगे एक होता है। सीजीएस पद्धति में 1/4πε₀ का मान एक होता है। तो ये बाय में आपका बल है, ये आपका माध्यम में बल है। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखो आप
कभी कभार पूछ लेता है तीनों एप्सिलॉनों में, तीन एप्सिलॉन होते हैं उनमें संबंध क्या होता है, तीन एप्सिलॉन होते हैं उनमें संबंध क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया था जो बाय में लगने वाला बल था वो था आपका 1/4πε0Q1Q2r2। और जो माध्यम में बल आया था वो क्या आया था, एफ मीडियम बराबर 1/4πε0Q1Q2r2, Q1Q2r2। हम इस एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम रख सकते हैं एफ मीडियम बराबर 1/4πε0Q1Q2r2, Q1Q2r2, जहां एप्सिलॉन को निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आया है, तो यहां आप कर सकते हो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ के का मान निकालोगे, अगर परावैद्युतांक के क्या है आपका, परावैद्युतांक है इसके हिसाब से, परावैद्युतांक है, तो यहाँ के का मान निकालोगे ये हो जाएगा εε/εo। εε क्या होती है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता वट्टे ये है आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युत शीलता, निर्वात की वैद्युत शीलता, ये है आपका फॉर्मूला प्रावर्तन का। अब यहां के को दूसरे पदों में एप्सिलॉन आर से भी प्रेस कर सकते हैं, जिसे आपेक्षिक या सापेक्षिक वैद्युत शीलता कहते हैं। यहां से परावैद्युतांक की परिभाषा बनेगी, निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में के को दूसरे शब्दों में एप्सिलॉन आर से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ एप्सिलॉन जो आर होती है वो निरपेक्ष, वो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है। तो यहाँ के स्थान पर एप्सिलॉन आर आएगा, एप्सिलॉन आर आएगा, तो ये सूत्र आ जाएगा आपका एप्सिलॉन आर बराबर εε/εo, εε/εo। ये तीनों एप्सिलॉनों में संबंध हो गया, तीनों एप्सिलॉनों में क्या है, ये संबंध। कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, बाय में बल दिया होगा, माध्यम बल दिया होगा, तब परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो यह नोट पॉइंट में लिखोगे, थोड़ा ध्यान से समझो नोट पॉइंट। तो हम जानते हैं कि बाय में लगने वाला बल एफ एयर कितना होता है, 1/4πε0Q1Q2r2, और माध्यम में बल होता है एफ मीडियम बराबर 1/4πε0Q1Q2r2, Q1Q2r2। ये है वाय में लगने वाला बल और ये आपका माध्यम लगने वाला बल। अगर हम इस वाले बल में इसका भार दे दें, यानी इसे समीकरण एक कर लो और इसे कर लो आप समीकरण नंबर दो, अगर हम समीकरण एक में समीकरण दो का भार दे दें, तो ये आएगा आपका एफ एयर बट्टे एफ मीडियम। एफ एयर क्या है, वाय में लगने वाला बल है, और एफ मीडियम क्या है, माध्यम में लगने वाला बल है। तो ये हो जाएगा यहां पर 1/4πε0Q1Q2r2 पूरे के बट्टे 1/4πε0Q1Q2r2, ये हो जाएगा आपका। तो अब यहां से Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, r2 से r2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, के का जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एयर वट्टे एफ मीडियम बराबर के, या हम ऐसे 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 कर सकते हैं के बराबर एफ एयर वट्टे एफ मीडियम, यानी वाय में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये अब एक चीज यहां से आपको स्पष्ट हो रहा होगा यहां से, क्योंकि माध्यम होने पर बल का मान कैसा होता है, घट जाता है, ये बता चुके हैं हम, माध्यम होने पर बल का मान कैसा होता है, घट जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा समझ लो जैसे अगर आप सड़क पर दौड़ रहे हो, हवा में दौड़ रहे हो, तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, बल वहां ज्यादा लगा लोगे। अगर खेत जुता हुआ हो और वहां पानी भर दिया जाए, तो वहां बल कैसा हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, वहां बल कम लगेगा, क्योंकि माध्यम है, कोई ना कोई माध्यम बोलेंगे से।
तो जैसे ही कोई परावर्तक अगर इस आवेशों के बीच में रख दिया जाता है, कांच हो, कागज हो, रबर हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहां रख दिया जाता है, तो ये आवेश के मध्य जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या आएगी? रुकावट आएगी। बल जो लग रहे हैं आपस में, उनके बीच में क्या आएगी? रुकावट आएगी। तो माध्यम होने पर बल का मान घट जाता है, माध्यम होने पर बल का मान क्या होता है? घट जाता है। तो इतना ये स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब देखो आगे समझो। अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है? एक नंबर में पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट की विमा बताइए। देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट की विमा, विमा या तो हम सूत्र से निकालेंगे या फिर जो मात्रक निकाले हैं उससे निकालेंगे। दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे अभी एप्सिलॉन नॉट की हम अगर विमा निकालें, एप्सिलॉन नॉट की विमा, या हम बोल सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा, एक ही बात है, निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा, निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा। तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मात्रक आया था वो क्या निकाला था हमने? कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे भी आप विमा निकाल सकते हो। कल हमने विमा बताई थी। तो आवेश का मात्रक, आवेश की ये कूलम है वो आवेश का मात्रक है। आवेश की विमा क्या होती है? एटी होती है। स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगाओगे ऊपर। न्यूटन ये होता है आपका बल का मात्रक। बल की विमा होती है ML T की घात माइनस के टू, कल बता चुके हैं। मीटर है ये दूरी का मात्रक होता है, इसकी विमा क्या होती है? L होती है। स्क्वायर लगा है आप स्क्वायर लगाओगे ऊपर, क्या हो जाएगा? A² T² बट्टे ML T की घात माइनस के दो, ये कितना है? L² अब यहां कैसे कर सकते हो? A² T² वट्टे, देखो ध्यान से, ये घात दो है और ये एक है, कितनी हो जाएंगी अल्पघात? तीन हो जाएंगी। तो यहाँ ML³ T^-2, एम की पावर कितना है? कुछ भी नहीं है तो एक होता है यहाँ पर। तो एम ऊपर ले जाओगे, एम की घात एक ऊपर ले जाओगे, -51 हो जाएगा। एल की घात तीन है ऊपर ले जाओगे, -3 हो जाएंगे। टी की घात ऊपर ले जाओगे, प्लस का हो जाएगा, 2 और 2 4, यहाँ A^2। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये तो आ गई आपकी मात्रक से। अब निकालेंगे सूत्र से। सूत्र से हमें पता है F बराबर 1/4πε₀Q1Q2R² होता है। Q1 Q2 R² होता है। हमें इसकी विमा चाहिए तो ये इधर आ जाएगा और ये इसके स्थान पर F आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4πF₀Q1Q2 R² एप्सिलॉन नॉट बराबर, गणित के अंक की ना कोई विमा होती है ना उसका कोई मात्रक होता है। तो इसकी ना कोई विमा होगी ना इसका कोई मात्रक होगा। आवेश की विमा एटी होती है। आवेश की विमा कितनी होती है? एटी। इस आवेश की विमा भी कितनी होगी? एटी होगी। 4 गणित का अंक है, पाई भी गणित का अंक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। बल, बल की विमा क्या होती है? ML T^-2, दूरी की विमा होती है। एल स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा ऊपर ए और ए, A² टी और टी, T² पूरी के बट्टे एम। एल पे घात 2 है, यहां पर एल पे घात 1 है तो कितना हो जाएगा? एल की घात 3। ए की पावर कितना हो जाएगा? -k₂। यहाँ एम की पावर 1 है, ये एम की पावर 1 ऊपर ले जाओगे किसकी घात हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और एल की पावर 3 है ऊपर ले जाओगे -k₃ हो जाएगी। टी की पावर -k₂ है नीचे नीचे ऊपर ले जाओगे प्लस की हो जाएगी, 2 और 2 4, टी की पावर 4, ए की पावर कितना है? 2 है। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये आपकी सूत्र से और ये आपकी मात्रक से, दोनों विमा बना लो बराबर है। तो ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई या निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा। अब इसके बाद में आता है कूलम के नियम की सीमा क्या होती है। कूलम के नियम की सीमा है यानी कूलम का नियम
कब लगाते हैं? तो इसकी तीन सीमा ध्यान रखनी है। जो कूलाम का नियम होता है वो सार्वत्रिक नियम नहीं होता है, सभी जगह लागू नहीं होता है। यदि आप इस स्थिर अवस्था में होते हैं तभी ये नियम लागू होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है, माध्यम होने पर यानी जो बल होता है, जो कूलाम का नियम होता है या स्थिर वैद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, यानी माध्यम होने पर बल का मान घट जाता है। माध्यम होने पर क्या होता है? बल का मान घट जाता है। तीसरा पॉइंट होता है आपका, यदि आप इस स्थिर अवस्था में होते हैं तभी ये कूलम का नियम लागू होता है, यदि आप इस स्थिर अवस्था में नहीं होंगे तो कूलम का नियम लागू नहीं होगा। ये थोड़े तीन पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो देखो नेक्स्ट, अब कूलम से नियम से कुछ संबंधित आपको बिंदु बताएंगे, कुछ पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखो डालोगे कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डालोगे कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंग्लिश में यू जाएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला नियम समझ लो, कूलम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में पहला नियम ये होता है कि दो आवेशों के मध्य जो बल होता है वो समान होता है, चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों ना हो। इस बात को समझो ध्यान से, हमने पहला पॉइंट ये बोला है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समान होता है चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों ना हो। जैसे ये आवेश है क्यू वन और ये आवेश है क्यू टू, इसका मान मान लिया हमने चार कूलम है, इसका मान मान लिया हमने पांच कूलम है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर है। तो जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो ये बल इधर लगेगा, ये मान लो एफ वन, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो ये मान लो आपका एफ टू, एफ वन एफ टू मान लिए, इसके कारण ये बल है आपका एफ वन और इसके कारण हमने मान लिया ये अपनी तरफ से समझाने के लिए एफ टू। यदि ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो F1 सूत्र क्या आएगा? 1/4πε0 Q1 का मान कितना है 4, Q2 का मान कितना है 5/r². तो ये हो जाएगा 1/4πε0 4×20/r². F1 का मान ये है। और जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो ये F2 बराबर 1/4πε0 Q1, अब ये लगा रहा है इस पर तो Q1 Q2 वट्टे आर स्क्वायर, दोनों स्थिर आवेश हैं, स्थिर आवेश है तो दोनों कंडीशनों में दूरी समान होगी। तो 1/4πε0 4×20/r². देखो F1 का मान और F2 का मान समान है तो इसका मतलब ये होता है कि आवेश चाहे अलग अलग हों लेकिन दोनों कंडीशनों में जो बल होता है तो वो समान आता है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समान होता है चाहे आवेश भिन्न भिन्न क्यों ना हो, क्योंकि आवेश कैसे होते हैं? स्थिर। दूसरा पॉइंट, दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पूछ लेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्य किस पर निर्भर करता है, तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, और जो आवेश जो वैद्युत बल होगा या कूलम का नियम होगा ये आवेश पर निर्भर करता है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि कूलम का नियम क्या द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान आते ही नहीं है। क्यों? कूलम का नियम क्या सूत्र था? कूलम का नियम था F=1/4πε0 Q1 Q2/r² Q1 Q2/r² ये था सूत्र, ये था। और ये सूत्र हमने बताया था, ये फॉर्मूला आया था F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² सूत्र क्या था इसका? ये सूत्र था कूलम के नियम का, चाहते इस पर यही प्रकाशन दिया है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है कूलम का नियम? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल हो सकता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो ध्यान दो जरा, इसमें कूलाम के नियम में कहीं द्रव्यमान नहीं आया है, जब द्रव्यमान नहीं आया है तो बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल द्रव्यमान पर कभी निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, माध्यम होने पर बल का मान वायु से कम हो जाता है, यानी यदि दो आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हों तो ये बल होता है एफ एयर, एफ एयर बराबर कितना आया था, एफ एयर बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2। ये वायु में बल है और माध्यम होगा तो यह क्या आएगा, के आ जाएगा, और जब के आ जाएगा तो बल का मान पहले से घट जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट लिख सकते हो, दो यदि दो आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तथा माध्यम होने पर बल का मान बल के मान से अधिक होता है, या माध्यम होने पर बल का मान घट जाता है, कम हो जाता है। चौथा पॉइंट समझोगे, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान पहले से 4 गुना हो जाता है। कैसे हो जाता है, ध्यान दो, एफ ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है r, तब बल कितना हो जाएगा आपका, एफ बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2। यदि बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी आवेश Q1 Q2 ही रहेंगे, बीच की दूरी r के स्थान पर हम r/2 कर दें, तो ये आ जाएगा 1/4, ये 1 मान लो, ये 2, 1/4 pi 0 Q1 Q2/r2 होता है, यहाँ r/2 का वर्ग, तो F2 = 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2/4, और 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, 1, क्या रख सकते हैं, ये मान किसका, F1 का, F1 और ये 4 है, तो यानी बीच की दूरी अगर आधी कर जाए तो बल का मान पहले से कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, पहले से कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। जब दूरी कम करते हैं तो बल बढ़ता है और दूरी बढ़ाते हैं तो बल कम होता है, क्योंकि जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी का मान अधिक होगा तो बल का मान कम हो जाएगा, दूरी का मान कम होगा तो बल का मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके लिए अगर दूरी आधी कर दी जाए तो ये 2 यानी r²/4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यदि दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान पहले से 4 गुना हो जाता है, अगर दूरी 1/3 कर दी जाए तो बल का मान आपका 9 गुना हो जाता है, 1/4 कर दी जाए तो बल का मान 16 गुना हो जाता है। पांचवा पॉइंट समझो ध्यान से, पांचवा पॉइंट है, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण के बल से अधिक होता है या कम होता है। तो वैद्युत बल दोनों काम करता है, यानी आवेशों को वैद्युत बल प्रतिकर्षण भी करता है और आकर्षण भी करता है, दोनों बल लगाता है, वैद्युत बल और आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है केवल वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यानी एक ही काम है, गुरुत्वाकर्षण बल का काम केवल वस्तुओं को आकर्षित करना है, लेकिन वैद्युत बल का मान वैद्युत बल का काम है वस्तुओं को आकर्षित करना और प्रतिकर्षण करना। तो इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। यदि दो प्रोटोनों के बीच की बात हो, क्या दो प्रोटोनों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होता है, तो यहां से पहले हम निकालेंगे वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये आपका Q1 और ये Q2 है, लेकिन दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश पता है प्लस के 1.6×10⁻¹⁹, और यहाँ भी प्लस के 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, और दोनों के बीच की दूरी r है, तो यहाँ सूत्र आएगा आपका 1/4 pi ε₀ Q1 Q2/r2, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें, ये हो गया आपका वैद्युत बल, यहाँ Q1 Q2 के मान चाहो तो प्रोटॉन के लिए रख सकते हो, लेकिन और इसका ही पता है, और जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात हो, गुरुत्वाकर्षण के लिए यहाँ प्रोटॉन के द्रव्यमान लेंगे m1 और ये मान लो m2 है, दोनों के बीच की दूरी समान लेंगे, यहाँ भी r लेंगे और यहाँ भी r लेंगे, तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आता है F=g m1 m2/r2। समीकरण नंबर दो, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दोगे तो FE/FG=1/4 pi ε₀ Q1 Q2/r2 Pg m1 m2/r2 r2 से r2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना है, FE/FG
इसका मान पता है, 9 × 9 इसका मान पता है, इसका मान पता है, जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान, नियतांक का मान रखेंगे, प्रोटॉनों के द्रव्यमान मान रखेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे तो लगभग आता है 10^36। यहाँ ये न्यूमेरिकल में है आपका, ये फर्स्ट किताब वो मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही न्यूमेरिकल है कि यानी गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है, तो हम वहां कराएंगे। तो यहाँ से एफ ई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10^36 × fg, यानी दो प्रोटोनों के बीच कार्य करने वाला जो विद्युत बल आता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10^36 गुना आता है। यहाँ पर मान रख देते हैं प्रोटोन के द्रव्यमान, जी का मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, प्रोटोन के आवेश रख देंगे, ये पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये लगभग आता है विद्युत बल का मान आता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10^36 गुना बड़ा अधिक आता है। छठवां पॉइंट जो विद्युत बल होता है वो बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों के लिए दोनों के लिए सत्य होता है, बिल्कुल मान क्लियर निकलेगा क्यों आवेश स्थिर होते हैं, चाहे बड़ी दूरियां ले लो चाहे छोटी दूरियां ले लो, दोनों के लिए कंडीशनों के लिए जो विद्युत बल का मान होगा वो सत्य आएगा, बिल्कुल क्लियर निकलेगा चाहे वो बड़ी दूरियां हो चाहे वो दूरियां छोटी हो। तो यानी कूलम विद्युत बल का मान होता है वो बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों दोनों के लिए सत्य आता है।